है सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच में लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है। योगी की गुंडागर्दी है, ये वही आरएसएस है जो गांधी जी को भी आइडियल नहीं मानती थी। और कैसे निकला जाएगा सर इन चीजों से बाहर, मतलब लोगों का कहना ताना शाही रवि पब्लिक ही को बताना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा, पब्लिक तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। क्या सरकार शाही रवैये से काम कर रही है? सर यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी भी पुलिस का भूमिका निभा रहे हैं, पुलिस की तरह काम कर रहे हैं, हैं? क्या क्या कहना चाहोगे मीडिया के लिए? मुल्क हमारा है सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच में लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है। मुल्क से अमन का पैगाम ना दो साहब, मुल्क में तूफान मचा दिया है, हर एक इंसान शैतान बना दिया है। मुल्क से अमन का पैगाम ना दो साहब, तुम ही ने मुल्क को शमशान बना दिया है। मोदी जी हाउस में आओ, मोदी जी ने अब हमारा प्रोटेस्ट का एक अहम अधिकार जो हमारा एक हमारा जो साथ था मीडिया वाले भी देते थे, आज हमसे वो हमसे हक छीन लिया गया। आज हमारा प्रोटेस्ट का शांतिपूर्ण करने का प्रयास था वो जो हमसे छीन लिया गया। आज हमें पुलिसकर्मी और पुलिस वाले आज हमें जिप्सी में डाल करके लेके जाते हैं, जेल भरो बंद, जेल में बंद कर देते हैं। आज हमारा बोलने का पूरा पूरा अधिकार हमसे छीन लिया गया। हम इसी देश के मुल्क के वासी हैं, हिंदुस्तान के लिए वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 60 टैंकों को उड़ाया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस देश के लिए मिसाइलें बनाई और कितना इतिहास गवाया है। तुम साजिश और नज़र घुमाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। ताजमहल को देख लो, लाल किले को देख लो, जिस और नज़र घुमाओगे इंडिया गेट को देख लो, ये सब हमारे ही बड़े बूढ़ों ने हमारे ही पूर्वजों ने बना के दिया है। यूपी पुलिस की खास बात क्या है? क्या नाम है आपका? सुबोध कांत साह सिंह को मारा गया तो उसमें कितनी बर्बादी हुई, मतलब एक मॉब ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं तोड़ा, उसकी किसका जो सील किया उसने पुलिस ने, और किसी का सील किया बल्कि सबको छोड़ दिया। पद्मावत मूवी को ले रहे करणी सेना ने, हाँ अभी देखिए करणी सेना ने ये कितना बर्बाद किया। क्या क्या लगता है अंकल जी आपको भी, अब लगता है पुलिस भी पक्षपात करने लगी है? पुलिस तो टूल है, पुलिस जिसके पास वो करवाते हैं। पुलिस तो बेचारे हमारे यूपी जैसे से लोग हैं, यूपी से जैसे खबरें आ रही है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बहुत गलत, ये जैसे हुकूमत होगी जैसी गवर्नमेंट होगी पुलिस उसी के हिसाब से काम करती है। अब योगी को हटा दीजिए दूसरे को लाइए तो फिर पुलिस ही आएगी। योगी जैसा आदमी जब चीफ मिनिस्टर बनता है तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो खुद पहले दंगों में सम्मिलित था यही करवाता था, अब उसको बहुत बुरा लगता है। आप क्या करेंगे जब कहीं भी आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकार है बेसिक फंडामेंटल की प्रोटेस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आपसे छीन लिया गया, इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग तो लगे रहेंगे इंशाल्लाह, लगे रहेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे जैसे जहाँ तक हो सके। और जो यूपी में गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या कहना चाहेंगे? 4 करोड़ रुपया हम लोगों की गाड़ी कमाई का ये फिजूल खर्ची में करने जा रहे हैं, तो इससे क्लियर होता है कि ये लोगों को कुछ नहीं आता, जाहिल लोग हैं और ये सिर्फ सिर्फ सांप्रदायिक होकर और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए, हम लोगों का घर जलाकर ये रोटियां सेक। क्या लगता है मैडम NPR जो ला रहे हैं, कहा जा रहा है कि NCR का जो है पहला चरण है? देखिए हम NRC के खिलाफ है और NPR जो है उसको बेस बनाकर ही
उस रजिस्ट्रेशन को बेस बनाकर ही एनआरसी लाएंगे और एनआरसी में से ये छन्नी में से छानेंगे, वहाँ इनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू होगी और फिर ये मुसलमानों को सीए में अलग करेंगे। तो हम इसके खिलाफ है, हम खिलाफ नहीं है। सारा एससी एसटी ओबीसी जितना पिछड़ा हुआ वर्ग है वो सब खिलाफ है, देश का नौजवान खिलाफ है, जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और एक एक हिंदुस्तानी इनके खिलाफ है। आप वकील हैं, आपने कहा है आज यूपी में जिस तरीके से हुआ कानपुर में, एक वकील मुस्लिम गिरफ्तारी का पक्ष ले रहा लेने के लिए आगे आया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसकी क्या कहना है? योगी की गुंडागर्दी है, लोकतंत्र बनाम योगी सरकार की गुंडागर्दी चल रही है और हम लोग भी गए हैं, लेकिन आप जाकर देखें यूपी में सन्नाटा छाया हुआ है, रोडों पर लोग निकलने से घबरा रहे हैं, मार्केटें बंद पड़ी हैं और यहाँ से ज़्यादा मैं बताती हूँ कि इंटरनेट गाजीपुर तक इंटरनेट बंद है, मतलब पूरे बॉर्डर तक इंटरनेट बंद है। तो ये घबरा गए हैं क्योंकि आज एक एक हिंदुस्तानी ये समझ चुका है कि ये जो सांप्रदायिक कानून लेकर आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हर हर भारतीय के खिलाफ। मैं मोदी जी लखनऊ में बयान में ये कहते हैं कि हिंसा करने वाले एक ही कमरे के होते हैं, परसों इन्होंने बयान दिया था मोदी जी ने। तो एक तरफ वीडियो है यूपी पुलिस की जिसमें कुछ अलग ही दिखाया जा रहा है और समझा जा रहा है, तो उसे आप किस तरीके से समझे? रिवॉल्वर हाथ में है पुलिस के, रिवॉल्वर हाथ में, आप सीधा फायरिंग कर रहे हैं, फोड़ते हुए नजर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए कि दुकानों को किस तरीके से तोड़ना है, सीलमपुर में दुकानों को तोड़ा है पुलिस वालों ने। अगर आप सिर्फ यूपी की बात क्यों कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कम बर्बरता करी है? आप ये देखिए आंसू गैस जो है आप किसी भी बंद प्रीमाइस में नहीं छोड़ सकते, आप स्टूडेंट के ऊपर आंसू गैस लाइब्रेरी में जाके छोड़ रहे हैं, आप जामिया की मस्जिद के अंदर घुस गए, तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? और हम उसी गुंडागर्दी के खिलाफ, और ये जो योगी और मोदी के गुंडे हैं वो आज डरे हुए हैं हमसे, तभी तो एक एक बच्चा को उठा के लेके जा रहे हैं। अभी जो आर्मी चीफ है बिपिन रावत ने, उन्होंने कहा है कि जो जो इस तरह के स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट को स्टूडेंट लीड कर रहे हैं वो आइडियल नहीं है। कभी भी जो पहले लीडर हुआ करते थे जेपी नारायण का आंदोलन था, वो स्टूडेंट लीडर अलग थे, लेकिन ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये मोदी सरकार की आर्मी की तरफ से ऐसी कोई चेतावनी के तौर पर समझते हैं क्या है? इसका मतलब क्या निकालती है? देखिए आप भी मेरी तरह मेरे नौजवान भाई हैं, मैं कहना चाहूँगी कि ये वही आरएसएस है जो गांधी जी को भी आइडियल नहीं मानती थी, और इनका आइडियल वीर सावरकर था, इनका आइडियल वो था जो टू नेशन थ्योरी की बात करता था, लेकिन हमारे आइडियल जो थे वो गांधी जी थे और हम गांधीवादी सोच के साथ ही आज यहाँ पर चल गए हैं। क्या ये सत्याग्रह आंदोलन नहीं है? क्या ये वो आंदोलन नहीं है जो गांधी जी ने हमेशा ऐसी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ रहकर हमेशा हमेशा लड़ाई की और सड़कों पर रहे? वो भी एक, मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी गांधी जी की तरह एक एडवोकेट हूँ और कम से कम हम आज अपने सड़कों के अपने घर के आराम छोड़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।